नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी आज हम आ गए हैं एक पार्क में, यहाँ पे होलिका दहन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे यहाँ तो रात में पूजा पाठ वगैरह होता है जब होलिका जलती है, लेकिन यहाँ का नियम थोड़ा अलग है। तो चलिए देखते हैं, सुबह से पूजा पाठ सारी औरतें कर रही हैं, तो चलिए देखते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या और होता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ से हवा भी चल रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं थोड़ी थोड़ी। सारे लोग पूजा करने आ रहे हैं, बहुत सारे आके पूजा करके चले गए हैं। और उपली के जैसे जो गोबर से बनती है उसे भी बहुत सारे लोग लेके आए हैं, बहुत सारे क्या लगभग लोग लेके आए हैं। और जैसे गांव में डलता है, पांच पांच बनता है सबका, यहाँ भी सारे लोग लेके आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बेर लग रहा है मुझे, ज़्यादा ज़रूरी होती है तो बेर तो सब लोग चढ़ा रहे हैं, सारे लोग पूजा करें। आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है पार्क में, अभी बारिश हो रही है उसके बावजूद। अभी रात को तो पता नहीं क्या होगा, मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की रात को भी। रात में जब होलिका दहन होगी तब तो नज़ारा ही कुछ अलग होगा। सारी औरतें आ रही हैं, पूजा कर रही हैं हमारे यहाँ तो रात को। ये देखिए दोस्तों, आंधी भी आ रही है, बहुत तेज़ आंधी आई है क्योंकि बारिश का माहौल बन रहा है, तो बहुत तेज़ बारिश होने वाली है मुझे लग रहा है, लेकिन भगवान की दया से नहीं होगी क्योंकि हवा भी चल रही है। चलिए हम लोग भी एक बार घूम लेते हैं ऐसे। ये देखिए दोस्तों, सारे लोग पूजा करके गए हैं और रक्षा सूत्र बांध के। देखिए कितनी सारी तैयारियां हुई हैं यहाँ पे होली के लिए, सब लोग पूजा करके जा रहे हैं, जिसके यहाँ का जो भी रिवाज है। जैसे जब आपकी भी पूजा करने आयो होली खेलने मांगने? क्या क्या देते हैं सारे लोग? आटा देता है। अच्छा, आटा चावल देता है, चीनी देता है, पूड़ी भी देता है, बोर भी देता है। रात में जलेगा ना? केला भी देता है। गांव में तो रात को जलता है ना? अरे मतलब रात में भी पूजा होती है ना? हाँ। यहाँ सुबह से ही हो रही है। हाँ, मुझे पता ही नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होलिका दहन की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सारे लोग पूजा पाठ सब कुछ करके अलग अलग से पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सुबह से सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। और बहुत सारी जैसे जो आटा वगैरह दान देते हैं सब लोग दे रहे हैं, और बहुत सारी जैसे भिखारन होती हैं वो भी आई हैं, और अपना एक एक बोरा उनका पूरा हो चुका है। और कोई कोई पैसा भी दे देता है, कोई कोई फल दे रहा है, आटा भी देता है, सब कुछ दे रहा है। तो चलिए देखते हैं, इनसे बातें करेंगे और हम आपको भी दिखा दें कि होलिका दहन दिल्ली में कैसे होती है। मैं तो पहले बार देख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो रात को पूजा होती है और रात को ही होलिका जलती है। यहाँ पर भी रात को ही जलेगी, लेकिन पूजा सुबह से ही हो रही है। मैं तो अभी आई हूँ, अभी शाम के 3 बज रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, बहुत बड़ी होलिका जला इकट्ठा की गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी। और ये 2 महीने पहले से ही पेड़ों को काट के रख उठा था, तो अब तो पूरी तरह सूख गई हैं।
और होलिका एकदम रेडी है हमारी। तो चलिए दोस्तों, देख